नागपुर ग्रामीण में जिला अस्पताल प्राथमिक अस्पताल में कोविड रोगियों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकार और प्रशासन द्वारा पूरी तरह से इस परिस्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसी टिप्पणी पत्र परिषद के दौरान विधायक गिरीश व्यास द्वारा की गई है। पहली कोरोना लहर के बाद दूसरी लहर की शुरुआत हुई और दुनिया भर के कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण इलाकों में जो सुविधाएं उपलब्ध करना चाहिए थी जो कि नहीं की है। ग्रामीण इलाकों में नरखेड, कलमेश्वर, काटोल में सीटी स्कैन की सुविधा भी नहीं होने से मरीजों को इलाज में दिक्कतें होती है। समाज भवन में मरीजों को रखकर सिर्फ खाने की सुविधा उन्हें दी जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर कम आपूर्ति के चलते मरीज के इलाज के अभाव में मरीजों की मृत्यु हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारी असंतोष है क्योंकि प्रशासन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति भी बंद कर दी है। सवाल ये है कि क्या सरकार के मंत्री और प्रशासन के अधिकारी इसे लेकर गंभीर है या नहीं। समय पर अगर इसके ऊपर उपाय योजना नहीं की गई तो आने वाले दिनों में एक भयंकर संकट का सामना ग्रामीण की जनता को करना पड़ेगा और वहाँ का जो मृत्यु दर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसी सर्वसाधारण स्थिति है। दवाइयों के अभाव में बड़ी संख्या में लोग वहाँ अड़चन में हैं। एक स्थिति ऐसी है कि जो लोग बड़ी संख्या में होम क्वारंटाइन है वो छोटे सी जगह में रहते हैं, एकत्रित परिवार रहता है और उसके कारण संक्रमितों की संख्या परिवारों में बढ़ रही है और ये चिंताजनक विषय वहाँ पर है क्योंकि सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं, सारी उपयोगिता का सामान वो संयुक्त रूप से वापरते हैं। फिर वो नहाने की जगह हो, शौचालय की व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्था उनको सामूहिक रूप से वापरनी पड़ रही है तो उसका एक परिणाम उनकी संख्या में बढ़ने में वहाँ पर हो रहा है। दूसरा ऐसा कि वहाँ पर वैक्सीनेशन तो ठीक चल रहा है, किसी प्रकार की अड़चन नहीं है, पर जो कोविड रुग्ण जो हॉस्पिटल में हमने एडमिट किए उनके लिए केवल वहाँ एडमिशन की व्यवस्था है। वहाँ पर सिलेंडर, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर चाहिए उसकी कमतरता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में जिस प्रकार की पाइपलाइन या वहाँ जो मशीनरीज चाहिए वो बराबर नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन की नई नेचुरल जो इलेक्ट्रिक पर ऑक्सीजन जनरेट करती है वो मशीन्स वहाँ पर नहीं होने के कारण भी काफ़ी अड़चनों का सामना वहाँ करना पड़ रहा है। और मॉनिटरिंग की व्यवस्था वहाँ पर रुग्णों की लिखा में, और इसलिए मेरी प्रशासन से, सरकार से, जनप्रतिनिधियों से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि वो इस बारे में ज़्यादा ध्यान दें, अपना निधि का खर्चा वहाँ एक स्थिर व्यवस्था तैयार करने के लिए रखें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।